2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले अररिया में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हुआ बड़ा उलटफेर। अररिया लोकसभा के अंदर अवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा जलवा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों के लिए बहुत खुश कर देने वाला खबर। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है अररिया इमाम न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब पिछले दिनों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अररिया ज़िला अध्यक्ष राशिद अनवर को हटाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा नेता रहमत अली को अररिया ज़िला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद राशिद अनवर प्रदेश सदर जनाब अख्तरुल ईमान से नाराज होकर अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन दोस्तों, पार्टी प्रदेश सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब राशिद अनवर का इस्तीफा नामंजूर करते हुए राशिद अनवर को पार्टी में बहुत बड़ा पोस्ट सौंपा है। दोस्तों, जब तक मैं इस खबर को विस्तार से बताने की कोशिश करूँ, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश सदर और अमौर से विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब पूर्व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अररिया जिला अध्यक्ष जनाब राशिद अनवर को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा प्रदेश सचिव बनाया है। दोस्तों, आप तस्वीर के ज़रिए से देख सकते हैं कि ये दोनों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व जिला अध्यक्ष राशिद अनवर और नया अध्यक्ष जनाब रहमत अली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, 2024 लोकसभा की इलेक्शन को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अररिया लोकसभा में तैयारी शुरू कर दिया है और अररिया लोकसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। दोस्तों, अररिया लोकसभा के अलावा किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, गोपालगंज और मुंगेर, इन तमाम लोकसभा पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहली नज़र है और इन तमाम लोकसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2024 में अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है और इनकी तैयारी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो में कमेंट, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर छोटी बड़ी खबर इस चैनल पर अपलोड करता हूं। बड़ी आसानी के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर खबर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया इमाम न्यूज़ चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।